हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको दिख रहा है, मैं कहीं पे जा रही हूँ किस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन कहाँ जा रही हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार देना है। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, अभी रिसेंटली गया है दुर्गा पूजा और भुवनेश्वर में दशहरा का माहौल बहुत ही खूबसूरत था। इस बार हम सब ने बेसब्री से इंतज़ार किया था दशहरा के लिए, क्योंकि 2 साल बाद या फिर 2.5 साल बाद इस बार दशहरा मनाया गया है अच्छी तरीके से भुवनेश्वर में। तो फिर हम लोग इसको आज एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर जगह का है। एंड किस जगह का है ये शायद आपको पता चल ही गया होगा वीडियो देख के। तो गाइज, अभी मैं हूँ बरमुंडा भुवनेश्वर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे बरमुंडा भुवनेश्वर का दुर्गा पूजा या फिर दशहरा पंडाल किस तरह से बनाया गया था, एंड यहाँ का माहौल कैसा था, एंड यहाँ पे रावण का वध या फिर रावण का दहन किस तरह से मनाया गया, आज हम लोग ये सब देखेंगे। तो गाइज, अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं पंडाल के और, एंड डेकोरेशन आप सबको दिख ही रहा होगा, काफ़ी अच्छा था, सुंदर था डेकोरेशन। एंड लोगों का भीड़ जो था इस बार ना, वो क्या ही बताऊँ मैं, लाइक इतना ज़्यादा भीड़ था आप सबको दिख ही रहा होगा। एंड इस बार बारिश भी इतना ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसी बारिश में भी हम सब चल पड़े माता रानी के दर्शन करने के लिए। एंड यहाँ पे आप सबको दर्शन करने का मौका मिल गया मेरे वीडियो के थ्रू, अगर आप नहीं गए हो तो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी माता रानी। एंड जिस तरह से मूर्ति बनाया गया था ना, काफ़ी अच्छा था। इतने दिनों के बाद दर्शन हो रहा है, तो एक अलग सा माहौल वहाँ पे बन चुका था, एंड बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके। तो गाइस, ये देखिए, ये था बाहर का नज़ारा, लाइक पूरा पंडाल था, ये पूरा पंडाल को इसी तरह से डेकोरेट किया गया था, बहुत खूबसूरत था पंडाल। एंड यहाँ पे लोगों का भीड़ आपको दिख ही रहा होगा, और यहाँ पे चल रहा था डांस एंड म्यूजिक का फंक्शन। एंड उसी टाइम पे एक फ्लाइट वहाँ से गया, तो वो जो नज़ारा था ना, वो मैं क्या ही बताऊँ, ये आप खुद देख लीजिए। मुझे लगा कि ये कैप्चर करना चाहिए, बहुत खूबसूरत सा एक नज़ारा था। एंड पंडाल तो आप सबको दिख ही रहा होगा, बहुत बड़ा था एंड काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया था। तो गाइस, लोगों की भीड़ के अंदर मैंने सोचा, अगर यहाँ पे मैं आ ही गई हूँ तो आप सबको दिखाई दूँ कि क्या क्या खाने का स्टॉल इस बार बरमुंडा दुर्गा पूजा में आया था। तो जिस तरह से आप सबको दिखाई, कुल्फी का स्टॉल तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मिल रहा था ढेर सारे पकवान, लाइक यहाँ पे स्वीट कॉर्न मिल रहे थे, यहाँ पे मथुरा केक मिल रहे थे, यहाँ पे शिमला मिर्च का पकौड़ा मिल रहा था, यहाँ पे कॉटलेट्स मिल रहे थे, उसके साथ साथ बहुत सारे कुछ स्नैक्स। तो पानीपुरी के साथ साथ लोग यहाँ पे चटपटा चाट का मज़ा भी ले रहे थे, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मिल रहा था दिल्ली फेमस छोले भटूरे। छोटे बड़ों से लेके बड़ों तक हर कोई मजा ले रहा था यहाँ पे तरह तरह के पकवानों का। तो गाइस, जिस तरह से आप सब ने देखा, यहाँ पे बहुत सारा कुछ पकवान मिल रहे थे, बादाम से लेके छोले भटूरे सब कुछ अवेलेबल थे। अगर आप सब भी यहाँ पे आए थे बरमुंडा दुर्गा पूजा देखने के लिए, तो आपने क्या ट्राई किया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खाने के साथ साथ यहाँ पे लोग मज़ा ले रहे थे डिफरेंट डिफरेंट फन एक्टिविटीज़ के, जैसे कि आप सबको यहाँ पर दिख रहा है, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत वेराइटीज़ के झूले थे, और उसके साथ साथ लोग यहाँ पे मीना बाजार से खरीद रहे थे अपने लिए कुछ सामान। अगर बड़े लोग मीना बाजार से अपने लिए कुछ खरीद रहे थे, तभी छोटे बच्चे यहाँ पे मजे ले रहे थे अपने फन एक्टिविटीज से। छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के लिए भी बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल थे। अगर आप लोग यहाँ पे आए थे तो आपने कौन सा वाला एक्टिविटी किया, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
इस सब के बीच में समय बीतता गया था एंड लोगों का भीड़ भी काफी बढ़ गया था, क्योंकि दशहरा के दिन रावण का दहन होने वाला था। तो हर कोई बस इसी घड़ी के इंतजार में था कि कब रावण का दहन होगा। तो बहुत टाइम वेट करने के बाद फाइनली वो टाइम आ गया जब ये सारा प्रोसीड्यूर स्टार्ट हो गया। एंड तुरंत मैंने इसको रिकॉर्ड किया ताकि आप लोग भी रावण दहन का मजा ले सको। बहुत मजा आया था सबको, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब रावण का दहन होने ही वाला था, इतना जोर से बारिश आया कि रावण का जो पुतला बनाया गया था वो ठीक तरह से जला नहीं। तो सबके मन में अफसोस तो होगा ही होगा। तो जब तक बारिश नहीं था तब तक ही वीडियो बन पाया है गाइस, एंड तक वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि प्रोग्राम पूरा हुआ ही नहीं बारिश के वजह से। तो बहुत दुख हुआ गाइस क्योंकि रावण का वध तो होना ही था। बट आई होप कि जितना भी वीडियो बना है आप सबको अच्छा लगा होगा एंड एंजॉय किए होंगे रावण दहन। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को गाइस, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और भुवनेश्वर के दूसरी जगह पे जो भी दशहरा का मंडप बना था उसका भी मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो तब तक के लिए एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय।